खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। अंजेरा थाना अंतर्गत पिछले दिनों ग्राम बंधा में सूखे नाले में अज्ञात व्यक्ति का शव मिला था, जिसकी हत्या गला दबाकर की गई थी। इस मामले को लेकर अंजेरा थाना प्रभारी रतनलाल मीणा व उनकी टीम के द्वारा लगातार जांच की जा रही थी। लगातार जांच के कारण घटना के 11 दिन में अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने में मिली सफलता और दोनों हथियारों एवं घटना में प्रवृत्त मोटरसाइकिल को जब्त कर लिया। अज्ञात लाश की पहचान नारायण पिता अनोखीलाल निवासी ग्राम बड़ोदिया के रूप में परिजनों के द्वारा की गई थी। पुलिस विवेचना के आधार पर मुखबिर की सूचना पर जब संतोष पिता रामचंद भील निवासी धोला हनुमान व मुकेश पिता साल सिंह भील निवासी ग्राम धोला हनुमान को पकड़कर सख्ती से पूछताछ की तो उन्होंने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि आपसी रंजिश व विवाद के कारण उन्होंने जंगल में नारायण का गला दबाकर हत्या कर दी तथा उसकी लाश को बिना नंबर की मोटरसाइकिल पर ले जाकर नाले में फेंक दी थी। पुलिस के द्वारा दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया। बताया गया कि उक्त घटना को पर्दाफाश करने में पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देश के SDOP सरदारपुर ऐश्वर्य शास्त्री व थाना प्रभारी रतनलाल मीणा व उनकी टीम की अहम भूमिका रही। दिनांक 26/4/2020 को ग्राम बंधा के जंगल में एक लाश पड़ी होने की सूचना मिली थी, जिसमें सबजिला पुलिस के द्वारा मर्ग कायम कराया गया था। अज्ञात व्यक्ति की पहचान नहीं हुई थी, उसी दौरान उसका पोस्टमार्टम कराया। डॉक्टर के द्वारा अपने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उल्लेख किया था कि इसकी मृत्यु जो है गला घोटकर हत्या करने से हुई है, जिस पर से थाने पर अपराध क्रमांक 165-20 धारा 302-201 का कायम किया गया था अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध। बाद में इस मृतक की पहचान इसके कपड़े और इसके फोटो वगैरह देख के इसकी पत्नी उमाबाई और परिवार वालों ने की थी, जिससे मालूम पड़ा कि यह जो मृतक है ये नारायण पिता अनोखीलाल सुपाल सुखराम निवासी बड़ोदिया का था और करीब पिछले 10-12 साल से बड़ोदिया छोड़कर जामदा मुखिया तरफ ही रहने चला गया था। वहीं पे ये अधिकतर पूरे समय वहीं रहता था। तो कारण क्या रहा है? इसमें जब विवेचना के दौरान मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक संतोष और मुकेश करके जो है जो धोला हनुमान के रहने वाले हैं और इनकी ससुराल जो है संतोष की वहाँ पे जामदा में है, तो अखातीज के दिन ये संतोष और मुकेश के पास में नारायण मिला था और ये शराब के नशे में था और शराब के नशे में इसने संतोष का गला पकड़ लिया था, गिरेबान पकड़ लिया था और इनके बीच में शराब के नशे में झगड़ा हुआ था। उसी बात को लेकर संतोष और मुकेश ने जब ये नारायण ने जा रहा था पंथा के जंगल के वहाँ, तो उसी दौरान संतोष और मुकेश ने उस बात को लेकर जो शराब के नशे में इसका गला पकड़ा था संतोष ने, इसको नारायण को पकड़ा और इसकी गला घोट के वहाँ मारपीट करके गला घोट के इसकी हत्या कर दी और फिर लाश अपनी मोटरसाइकिल से ले जाके पंथा के नाले में फेंक दी। पता चला था कि कुछ आदिवासियों का लेन देन इसका जामदा में था, इनसे कोई लेन देन नहीं था, ये तो हंडोला हनुमान के रहने वाले थे, उसका अधिकतर लेन देन जो था जामदा भूतिया उस तरफ ही था। अभी तरफ क्या इनको दोनों को अरेस्ट कर लिया है और इनका जो घटना में मोटरसाइकिल का उपयोग किया था लाश फेंकने में वो भी जब्त कर ली गई है और दोनों से पूछताछ करने पे इनने अपना जुर्म भी स्वीकार कर लिया था कि हाँ हमारे द्वारा ये घटना की गई। ऐश्वर्य शास्त्री सरदारपुर से मनीष चौधरी की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।